हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस जीएससी न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है? हमारा वातावरण। आज हम इस चैप्टर को, अपने वातावरण को समझेंगे इस चैप्टर में। देखिए, एक दिन आर्यन और नफीशा नाम के दो बच्चे थे जो कि पार्क में जा रहे थे अपनी माँ के साथ में, अपनी मदर के साथ में। उन्होंने पिकनिक पे जा रहे थे। उन्होंने पिकनिक के लिए बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स रख रखे थे। तो आर्यन जो है और उसकी उसका फ्रेंड है टिंकू, वो बॉल से प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, एक बिग वाइट डॉग आया भागता हुआ उनकी तरफ। उसने वो कूदा एंड कॉज द बॉल और बॉल को पकड़ लिया। आर्यन, ओ ये क्या हुआ, इस बॉल ने तो बहुत टाइटली अपने मतलब माउथ में, अपने मुंह में इसको पकड़ लिया है बॉल को। इट मस्ट बी फीलिंग पेन, तो इसको तो मतलब लग रहा होगा। नफीशा, क्या मजाक कर रहे हो, बॉल कोई दर्द थोड़ी देती है, बॉल को कोई दर्द होता है? हाउ कैन अ बॉल फील पेन? बॉल को कैसे फील होगा पेन, है ना? इट इज़ नॉन लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग है, इनको पेन नहीं होता है। एवरीथिंग अराउंड अस इट आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, हमारे हर तरफ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि लिविंग थिंग क्या होती हैं, नॉन लिविंग क्या होती हैं। आर्यन, लिविंग थिंग तो मूव करती हैं और बॉल भी मूव करती है, तो ये लिविंग थिंग नहीं है? तो नफीसा कह रही है कि नहीं, बॉल मूव करती है पर खुद से नहीं करती है ना, हम उसे फेंकते हैं। जैसे कि मान के चलो टिंकू ने उसे फेंका, फोर्स के साथ, फोर्स लगाया मतलब फोर्स के साथ फेंका, दबाव से फेंका तो वो मूव करा, लेकिन अगर अपने आप थोड़ी कर लेगी वो मूव, तो इसलिए ये लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, अब देखो देखते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन है, लिविंग थिंग मूव करती है ना, तो हम ह्यूमन मूव करते हैं, अपने आप करते हैं, कोई हमें फेंकता या उछालता तो नहीं है। इसी तरीके से लिविंग थिंग को क्या चाहिए, लिविंग थिंग को नीड एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से एनर्जी चाहिए। देखो, उसे वाटर भी चाहिए, उसे एयर भी चाहिए और उसे सन की जो है हीट भी चाहिए। तो लिविंग थिंग ईट करती है ना, ईट खाती है लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग क्या करती है, लिविंग थिंग ब्रीथ करती है, सांस लेती है। इसी तरीके लिविंग थिंग ग्रो करती है, जैसे प्लांट ग्रो करता है, तो हमारा प्लांट भी लिविंग थिंग में आता है। क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रो करता है ना, उसे भी हीट चाहिए, उसे भी वाटर चाहिए, उसे भी एयर चाहिए, इस वजह से। अब देखिए आर्यन, तो लिविंग थिंग की कई क्वालिटी होती हैं। क्या क्या क्वालिटी होती हैं? नफीसा, अपने आप को देखो, प्लांट को देखो, बर्ड को देखो, एनिमल को देखो, ये सारी लिविंग थिंग कहलाती हैं। ठीक है, क्यों? ये सब कॉमन कैरेक्टर हैं। आर्यन, वाओ, लिविंग थिंग जो है बहुत सारी होती हैं, कैन डू सो मैनी थिंग्स, लिविंग थिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो और नॉन लिविंग थिंग क्या होती हैं? नफीसा, दे कांट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, मतलब वो खुद कुछ नहीं कर सकती, वो होती हैं भाई नॉन लिविंग थिंग। इनफैक्ट उन्हें ना किसी फूड की ज़रूरत होती है, दे डोंट नीड इवन फूड, जस्ट थिंग, कोई भी फूड की ज़रूरत नहीं होती है। डज़ योर चेयर नीड फूड, क्या तुम्हारी चेयर को फूड की ज़रूरत होती है? क्या स्टोन को, जो आपने स्टोन देखे हैं जगह जगह, तो वो ग्रो करते हैं, वो साइज़ में बिग और स्मॉल होते हैं अपने आप से? आपका घर मूव करता है, आपकी जो व्हीकल्स हैं वो सांस लेते हैं, नहीं लेते ना? इन सब चीज़ों को फूड की ज़रूरत नहीं होती है ना, ये ब्रीथ करते हैं। तो आर्यन, तो हमने देखा है, अच्छा अब मेरे को समझ आ रहा है, नन ऑफ देम शो द कैरेक्टराइज ऑफ लिविंग थिंग, ओ दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। अच्छा, आप समझ आ गया मुझे, इसलिए इसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। नफीसा, ग्रेट, यू आर ग्रोइंग स्मार्ट, तुम ना जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो और तुम अच्छे भी हो, तुम समझ गए एक बार से। तो ये थिंकिंग पावर है ह्यूमन बीइंग में जो कि आउटस्टैंडिंग है ऑफ लिविंग थिंग। सब लिविंग थिंग जो है, ये समझने की शक्ति होती है लिविंग थिंग में, इसके अलावा किसी और में क्यों नहीं होती है? नहीं होती है ना। तो आप बस बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही बताया है, लेकिन मैं आपको एक एंड में इसका अगर मॉरल कहें या कुछ भी कहें, तो आप एक बार समझ लीजिए कि लिविंग थिंग क्या होती हैं। लिविंग थिंग जो ब्रीथ करती हैं, जो ग्रो करती हैं, जिन्हें फूड यूज़फुल होता है और वाटर मतलब एनर्जी के लिए वो जो भी चीज़ लेती हैं वो मूव करती हैं, सारी लिविंग थिंग कहलाती हैं। और नॉन लिविंग थिंग ना तो फूड की ज़रूरत होती है, ना वो ब्रीथ करती हैं, और अपने आप से वो मूव भी नहीं करती हैं, वो कुछ भी वर्क नहीं कर सकती हैं, वो हमारी नॉन लिविंग थिंग कहलाती हैं। ओके, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और समझना है। थैंक यू।